हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रून चैनल डेली कॉमोडिटी। सो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉपर के 21 सितंबर फ्यूचर्स करेंटली मार्केट में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ पर आपको किस तरह का मोमेंटम फेस जो है यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 या 3 दिन के जो एनालिसिस है, जिस तरह से हमने यहाँ पर कॉपर के अंदर जिस तरह से हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है उसको हम एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन से प्राइस लेवल पर आपको निवेश करना है एज वेल एज कौन कौन से प्राइस लेवल पर जो है यहाँ पर आपको एग्जिट करने का सोचना चाहिए। तो सबसे अच्छी जो हमारे पास लॉन्ग पोजीशन बनने की जो चांसेस है वो होगा नियरली, अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, अगर आप कम रिस्क में यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा जो लेवल होगा वो होगा 227.9 का। अगर समझ लो प्राइस लेवल तोड़ता है तभी आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ऑल तो सबसे अच्छा जो प्राइस लेवल जो है यहाँ पर अगर आप रिस्क टेकर हो तो 720 का अगर प्राइस लेवल तोड़ता है अच्छा से बुलिशनेस के साथ तो भी आप यहाँ पर एक जो लॉन्ग पोजीशन है वो बना सकते हो। टारगेट आपका नियरली 723 के आसपास आप जो है एस्टिमेट करके रख सकते हो। दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट्स के टारगेट्स है वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ में अगर हम यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से आज यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सा डाउन ट्रेंड जो यहाँ पर आपको फॉलो ऑन होते हुए देखेंगे, लेडीज गैप डाउन ओपनिंग जरूर, गैप डाउन ओपनिंग नहीं नॉर्मल ओपनिंग के बाद अच्छा सा सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिला। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर कल जो है बहुत ही अच्छी खासी जो है वॉल्यूम बाइंग हुई थी तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते कि थोड़ा बहुत जो है फॉल जो है यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिला है। सो ये पॉसिबल है कि नियरली यहाँ पर हमें जो है फॉल है एस्टिमेटेड नियरली वेट अ मिनट सपोर्ट लेवल जो है हमारे पास वो है 713.22 के आसपास हमारे पास सपोर्ट लेवल। अगर समझ लो वो लेवल भी तोड़ता है तो और अच्छा सा आपको जो सेलिंग प्रेशर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ नियरली 711.21 के नियर बाय। और उसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर समझ लो अगर वॉलेटाइल स्टेट ही रहता है, अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पर हमें कवरेज नहीं देती है तो यहाँ पर आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना है। जस्ट एस ऑफ द फेट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अभी तक हमें कोई बाय सिग्नल या फिर कोई सेल ट्रेड शॉर्ट सिग्नल जो है वो अभी तक एमएससीडी की तरफ से नहीं मिला है तो यहाँ पर हमें वेट करके यहाँ पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ऑल दो आरएसआई का जो मोमेंटम है वो करेंटली ओवरसोल्ड जोन में है सो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि और सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सके। नियरली अगर हम यहाँ पर बात करें 29 के आसपास तक आने से मोमेंटम जाए और उसके बाद अच्छा सा टर्न अराउंड जो है अपसाइड डायरेक्शन में देखने को आपको मिल सके। सो होप करता हूं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इंट्राडे बेसिस आपके लिए ज्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।